खबर शामिल करते हैं तांदलियावाला से। तांदलियावाला के गांव कंजवानी के सदीकिया मस्जिद के जहां जलसा दस्तारे फजीलत बसिलसिला बड़ी 11वीं शरीफ का इनकाद मजहबी अकीदत और एहतराम से किया गया, जिसमें कुरान पाक हिफ्ज करने वाले बच्चों की दस्तारबंदी की गई। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं अली हसन साबरी। जी, तहसील तांदलियावाला के गांव कंजवानी की सिद्दीकिया मस्जिद के पेश इमाम और मुअल्लिम हजरत अलामा कारी आलम शेर फरीदी ने जलसा दस्तारे फजीलत बसिलसिला बड़ी 11वीं शरीफ का इनकाद किया, जिसमें इलाका भर से मजहबी और समाजी शख्सियात के अलावा आशकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल पाक का आगाज तिलावत कलाम पाक के साथ हुआ, जिसके बाद नात खानों ने आकाए दो जहां के हुजूर गुलहाए अकीदत के नजराने पेश किए। हजरत पीर सैयद अली जुलकरनैन, साहबजादा पीर उमैर सुल्तान नौशाही कादरी और पीर मजहर फरीद शाह ने कारी आलम शेर फरीदी की इस हवाला से खिदमात को सराहा। इस मौका पर उलमा इकराम ने तालीम के उसूल पर जोर दिया और कहा कि हम नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया इकराम बिलखसूस हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रजी अल्लाह तआला अन्हो के नक्शे कदम पर चल कर ही दुनिया व आखरत की कामयाबी से हम किनार हो सकते हैं। महफल के इख्तिताम पर कुरान पाक हिफ्ज करने वाले बच्चों की दस्तारबंदी की गई। जी, उसका एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम गीलान, उसमें एक बच्चा पैदा हुआ। अबू साले मूसा जंगी दोस्त इनके बाबा थे, उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा रमजानुल मुबारक की यकम थी, पीर का दिन था, बाबा ने अपने बेटे का नाम रखा अब्दुल कादिर।